एवरीवन, मैं हूं शिनी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैरी क्रिसमस आप सबको। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे से क्रिसमस मना रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सब लोगों का अपना ही तरीका होता है क्रिसमस मनाने का। क्रिसमस आई थॉट ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। यहाँ पर एक ट्रेडिशन है क्रिसमस पे जिंजर ब्रेड कुकीज बनाने का, इसलिए इस बार मैंने भी सोचा है कि मैं भी जिंजर ब्रेड कुकीज ट्राई करती हूँ और कैसी बना पाती हूँ मैं जिंजर ब्रेड कुकीज। चलिए आप लोग भी मेरे इस मिशन में मेरा साथ दीजिए और मुझे ज्वाइन कीजिए। चलते हैं फिर मेरी किचन में और बनाते हैं जिंजर ब्रेड कुकीज। स्टार्ट करते हैं फिर कुकीज बनाना। उसके लिए सबसे पहले हमें बटर चाहिए। मैं ले रही हूँ 1/4 कप बटर। बटर जो हम ले रहे हैं ये हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पहले ही निकाल के रख दीजिए बनाने से। ये लिया है मैंने 1/4 कप बटर, 1/4 कप हनी और ये है 1/4 कप डार्क ब्राउन शुगर। अब इन सबको हम अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसका टेक्सचर इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा क्रीमी और फ्रॉथी सा। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जिंजर पाउडर, 1/2 चम्मच सिनेमन पाउडर, थोड़ा नटमैग, मेरे पास पिसा हुआ नहीं है तो मैं उसको कस के डाल रही हूँ। 1 कप आटा ले रही हूँ मैं मैदे का, पर इसमें मैं पहले 1/2 कप मैदा ही मिलाऊंगी और फिर बाद में 1/2 मिलाऊंगी। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए और उसके बाद बचा हुआ आटा भी इसमें मिला दीजिए। अगर आपको लगे कि आपका आटा थोड़ा सूखा हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध मिला लीजिए। कुकीज़ का आटा भी तैयार है। अब मैं इसको क्लिंग फिल्म में रैप करके 1/2 घंटा फ्रिज में रख दूंगी। आधा घंटा होने के बाद मैंने ये आटा फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसको बेलूंगी। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है जिससे कि आटा बेलन पे ना चिपके और अच्छे से बेल जाए। फिर इसको आप अपनी मनचाही शेप्स में काट लीजिए। मेरे पास कुकी कटर नहीं है, पर अगर आपके पास कुकी कटर हैं तो उससे और आसानी से कट जाएंगे। तो मैंने पेपर से स्टेंसिल्स बना के फिर इनको काटा है। बस अब आप कुकीज़ को ओवन में रख दीजिए, प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पे 7-8 मिनट के लिए। बेक हो गई हैं हमारी कुकीज़, अब इनको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आइसिंग के लिए मैंने ली है 1/2 कप आइसिंग शुगर, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, फिर 1-1 चम्मच करके आप थोड़ा थोड़ा सा दूध डालिए और फिर मिक्स करते जाइए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। इसको आप थोड़ा और गाढ़ा रख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लेयरिंग नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का मीठा ही चाहिए, तो मैंने मतलब ठीक ठीक ही रखा है। और अगर आपको पतला लगे तो इसमें आप और शुगर मिला लीजिए। थोड़ा सा मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है क्योंकि इसको मैं ग्रीन कलर दूंगी। 1-1 ड्रॉप करके ही मैं ये फूड कलर मिला रही हूँ इसमें। थोड़ी सी आइसिंग में मैं रेड कलर मिला रही हूँ। अब हमारे पास रेड, ग्रीन और वाइट कलर की आइसिंग हो गई है। अब इससे मैं कुकीज़ डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में भी भर सकते हैं। जो ये आइसिंग बनाई है मैं इसको पाइपिंग बैग में नहीं भर रही क्योंकि मैं दो कुछ ही कुकीज़ डेकोरेट करके देख रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं सोचूँ ऐसे ही उनको डेकोरेट करके देखती हूँ।
क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा आइसिंग नहीं बनाई कि इसको मैं पाइपिंग बैग में डालूंगी तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं ऐसे ही इस बार करके देखती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग कुकीज, देखते हैं कैसा आउटकम आता है। या डेकोरेट करने के बाद आपको इनको थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कुकीज़ पे सेट हो जाएंगी अच्छे से। ये देखिए कुकीज़ तैयार हो गई हैं, बन गई हैं जिंजर ब्रेड कुकीज़ मेरी, और डेकोरेशन भी कर दी है मैंने जैसे आपने अभी देखा। चलो ट्राई करके देखती हूँ मैं ये कैसी बनी है। मैंने पहले कभी जिंजर ब्रेड कुकीज एक्चुअली में ट्राई भी नहीं करी है। लेट्स सी। बहुत टेस्टी बनी है। मुझे जैसे बनाने से पहले थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेंगी, बट सीरियसली दे आर रियली यम्मी। आप डेकोरेट भी कर सकते हो कुकी को और ज़्यादा अच्छे तरह से। मैंने बहुत ज़्यादा आइसिंग वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मीठी ना हो जाए, क्योंकि कुकीज़ में भी शुगर है और फिर आइसिंग और ज़्यादा मीठी ना हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही बनाई थी आइसिंग की। पर ठीक लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं दिया है कुकीज़ पे, बहुत लाइट सा लेयर दिया है इसी की वजह से, क्योंकि इसको अगर मैं और ज़्यादा थिक करती तो बहुत बिल्कुल ही चीनी का लेयर आ जाता, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाए। थोड़ा ठीक ठीक लेयर दिया है कि ना ज़्यादा मोटा हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, कि थोड़ा उसका टेस्ट भी पता चल जाए। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और सीरियसली बहुत यमी है। आप लोग भी ट्राई करो जिंजर ब्रेड कुकीज़ इस क्रिसमस पे। आप लोग ट्राई करें तो आप लोग भी अपनी कुकीज़ की पिक्स मुझे भेजिएगा कमेंट्स में और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी कुकीज़। तो बस फिर आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैरी क्रिसमस, बाय।